एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। हेलो हेलो, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो हाँ जी, नमस्कार जी, नाम बताएं। मैम, नमस्कार, राजेश बात कर रहा हूँ। राजेश जी, पूछिए अपना सवाल। मैम, हकीम साहब से बात करनी थी। जी राजेश जी, आदाब, बताइए। सर, मेरे को ना अपनी मम्मी के लिए वो चाहिए था, आपका च्यवनप्राश जैसा जो होता है सर। माजू जी नारकेर, जी 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 माचू नारकेर चाहिए था सर मम्मी के खांसी लिए। किधर? खांसी जी सर, खांसी के लिए चाहिए। ठीक है और किधर से कुछ? मिलेगा सर? वो बहुत मुश्किल हो रही है, मिल नहीं रहा है कहीं से भी सर। ठीक है। अच्छा बेटा, देखो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। माजून आर केयर इम्यूनिटी की दवा है, और ये लोगों को पता चल चुका है कि इम्यूनिटी के बगैर इस वक्त पूरी दुनिया में, भारत में जिंदा रहना मुश्किल है। तो आप अपना ऑर्डर हमारे हेल्पलाइन नंबर पर लिखवा दें, बहुत जल्द भेज दिया जाएगा। इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई कि हम इसको तैयार नहीं कर पा रहे पूरी तरह, लेकिन 10-15 दिन इंतज़ार अगर कर सकते हैं तो कोई भी दवा मिल सकती है इस वक्त, क्योंकि इम्यूनिटी में ये माजून आर केयर सबसे आगे है। और हर शख्स ने एक खुराक खानी शुरू कर दी है, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं। तो आप लिखवा दीजिए, आपको पहुँचेगी ज़रूर, और असली पहुँचेगी। और मम्मी को क्या, और जो भी घर में हैं, बच्चे हैं तो आधा चम्मच, बड़े हैं तो एक खुराक ज़रूर खाएं। इस वक्त अपनी जान बचाना बहुत ज़रूरी है, बचेंगे तो विकास होगा, तरक्की होगी, नौकरी होगी और सेहत होगी। तो जान बचाना बहुत ज़रूरी है। राजधानी दिल्ली से अशोक जी ने हमें कॉल किया है। अशोक जी, क्या सवाल करना चाहते हैं आप? मैम, मुझे हकीम साहब से बात करनी थी। जी जी आदाब जी, बताइए भाई। सर, मुझे ये मालूम करना था कि आप जो शिलाजीत के बारे में बताते रहते हैं, मेरे पास एक शिलाजीत है, अच्छी मात्रा में मेरे पास है, तो उसको लेने का क्या तरीका है? देखिए, शिलाजीत आधा ग्राम से ज़्यादा एक दिन में नहीं ले सकते, और शिलाजीत असली है इसकी पहचान शायद आपको ना हो, बड़ी मात्रा में है कोई बात नहीं, असली होनी चाहिए। असली तो आधा ग्राम से ज़्यादा नहीं ले सकते, नकली तो आप अगर 1 किलो भी खा लें तो कोई फ़ायदा नहीं। हम लोग भी शिलाजीत बनाते हैं, और इस वक्त एक खुराक अगर आप इस लायक हैं कि महंगी आती है ज़रा असली शिलाजीत, अगर आप इस वक्त इस लायक हैं कि एक आधा ग्राम शिलाजीत रोज़ ले सकते हैं, तो आप अपने डिफेंस यानी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। जितने बड़े लोग हैं सब वो लेते हैं आधा ग्राम, मैं भी लेता हूँ कभी कभी। हमारे यहाँ तो खैर ये बनती है, तैयार होती है सुलेमानी शिलाजीत, यानी मेरे नाम से ही बनती है, लिक्विड फॉर्म में है। आधा ग्राम ले लें और दूध से ही लें, इसके बहुत फायदे हैं। अगर असली है तो आप अपने परिवार को भी दे सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, शंकर जी ने हमें कॉल किया है, उनसे बातचीत करते हैं। जी शंकर जी, सवाल करें। शंकर जी, सवाल करें। हेलो, सवाल करें। हाँ, मेरा ना वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया जी। समझ गया, वजन वजन बढ़ गया काफी ज्यादा। वजन बढ़ गया जी। हाँ, एसिडिटी की परेशानी रहती है, साथ में बीपी की दिक्कत है। उम्र कितनी है आपकी? 41 साल। मुझे 105 किलो वजन है। 105 किलो जी। हाँ देखिए, वजन बढ़ गया तो ये एसिडिटी तो बढ़ेगी, ये बीपी तो आएगा, फिर दिल का मर्ज आएगा, फिर दिमाग का मर्ज आएगा, फिर जोड़ों का दर्द का मर्ज आएगा। तो देखिए, संतुलित आहार खाएं, यानी अगर 4 रोटी खाते हैं तो कृपया 2 रोटी खाया करें एक वक्त में, इससे बहुत राहत मिलती है हर चीज़ को। दूसरा क्या है कि पैदल चलना 1 घंटा मेरी तरफ से आपको मुफ्त है, 1 घंटा ज़रूर चलें। और ठंडा पानी छोड़ दें, गर्म पानी 5 बार पिएं, और अपनी पत्नी जो भी खाना बनाते हैं उनसे कहिए कि खाने में इतना सारा लहसुन और इतना ही अदरक डालें। हमारी पत्नियां बड़ी कंजूस होती हैं, इतनी सी अदरक डालती हैं और इतना सा ही लहसुन, तो ये करें, इससे भी आप ठीक हो सकते हैं। और बाकायदा काफ़ी वज़न हो रहा है तो मैं नुस्खा भी बता देता हूँ। देखिए, एक नमक आता है, नमक, जैतून,
ये रसायन होता है जैतून का, इसको आप ले लें 100-200 ग्राम और आधा ग्राम एक गिलास पानी में मिलाएं, ये नमकीन नहीं होता, आधा ग्राम एक गिलास पानी में मिलाएं, एक या दो नींबू निचोड़ें और पी लिया करें दिन में एक बार या दो बार, एक घंटा पैदल भी चलें, गर्म पानी पिएं, संतुलित आहार भी खाएं, एक महीने में 4-5 किलो वजन जा सकता है अगर मेरी सारी बातों पर आप अमल करें। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, हमें कॉल किया है सफीना जी ने। जी सफीना जी, पूछिए अपना प्रश्न। जी मुझे क्या प्रॉब्लम है, मेरे किडनी में स्टोन है, 8 mm की 2 स्टोन है, मुझे बहुत पेट में दर्द रहता है। जी सफीना, आप देखिए समझ लें नुस्खे को, बहुत आसान है, और किडनी में तो कितनी भी बड़ी पथरी हो निकल सकती है अगर आप समझ लें। अभी मैं एक नुस्खा बता रहा था चर्बी काटने का, नमक जैतून का, नमक जैतून 100-200 ग्राम ले लें और एक गिलास पानी में आधा ग्राम डालें, और अब इसमें आपको एक या दो नींबू निचोड़ने हैं, ठीक है, ये पी लिया करिए दिन में एक बार या दो बार, और जब भी पानी पिए ये पानी नींबू वाला पानी और जैतून के नमक वाला पानी, तो इसमें इसके बाद आप 2 गिलास और पानी पीना है, बस ये फ़र्क है। हिकमत में नुस्खा कितना इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, किस चीज़ के साथ करना है, ये बहुत बड़ी हिकमत होती है, इसी को हिकमत कहते हैं। दवाएं तो आप भी ज़्यादा जानते हैं, और लेकिन उसको कितना कैसे कब इस्तेमाल करना है, किस चीज़ के साथ इस्तेमाल करना है, ये बात अहम है। तो आप ये लेंगे तो आपकी पथरी रेजा रेजा किरचा किरचा होकर बहुत बारीक पाउडर बन के निकल जाएगी। 2-3 गिलास पानी इसलिए बता रहे हैं कि जब हम ज़्यादा पानी एक साथ पीते हैं, कभी पीकर देखना आप 3-4 गिलास पानी, तो पेशाब आएगा 2 घंटे बाद और इतना तेज़ आएगा कि बर्दाश्त नहीं होता। वो जो दवा है जाके उसको पाउडर बनाती है और उसका पेशाब का फोर्स उसे बाहर निकाल देता है, तो आप इस तरह से इस्तेमाल करें, आपको फायदा मुमकिन है। एक और दर्शक है हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार जी, नाम बताएं। हकीम साहब से बात करनी है। जी 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 बताइए, मैं सुन रहा हूँ, कौन साहब बात कर रहे हैं? हकीम साहब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से, MP से। जी जी बताइए। मेरे ना पेट में बड़ी तकलीफ है एक टाइम से। अच्छा क्या बताया डॉक्टर ने, क्या बताया? खाना पचता नहीं है, खाना ऊपर आता है, ठीक है ठीक। और बड़ी तकलीफ है पेट की, उम्र में मेरे दिक्कत है और डाइजेस्ट नहीं होता है, मोशन नहीं है ठीक से आते, और स्किन में भी दिक्कत है पूरी, एलर्जी इतनी है कि मैं परेशान, ये मैं 1.5-2 साल हो गए इसको फ्लश कराते हुए। 1.5-2 साल? 1.5-2 साल। अच्छा मैं समझा 1.5-1.5 साल। उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र रहेगी 59 साल। 59? अच्छा मुझसे छोटे हैं आप। अच्छा देखिए, एक ऐसा नुस्खा भी मैं जानता हूँ जिससे आपकी बताई हुई तमाम समस्याओं का निदान मुमकिन है, चाहे एलर्जी हो, चाहे अपच की प्रॉब्लम हो, चाहे कब्ज हो, चाहे मोशन सही नहीं आते हो, चाहे खाना ऊपर को आता हो, और चाहे मैदा ख़राब हो, चाहे आंतों में सूजन हो, चाहे किडनी में प्रॉब्लम हो, चाहे लीवर में प्रॉब्लम हो, ये बड़ा कीमती नुस्खा है, लेकिन आप इसे समझ लें। 2 चीज़ें हैं, इनका मिश्रण करना है। मेथी का दाना 500 ग्राम लेके पाउडर बना लें, और इसमें 100 या 150 ग्राम, देखिए एक फल आता है खाड़ी के मुल्कों में जिसको कहते हैं जैतून, इसका ऑयल भी इस्तेमाल होता है, इसका सिरका भी इस्तेमाल होता है, इसका एस्टेक निकाल लेते हैं, एस्टेक मतलब रसायन, जो हम नमक जैतून के नाम से जानते हैं आसान ज़बान में, लेकिन इंग्लिश में एस्टेक कहते हैं और हिंदी में रसायन, ये 100-150 ग्राम मिल जाए आपको, तो इस मेथी के साथ पाउडर बनाएं और आधा आधा ग्राम
वो आधा आधा चम्मच, छोटा चाय का चम्मच, दो या तीन बार खाएं दिन में, खाने से पहले या खाने के बाद। आप देखेंगे कि आपको ऐसा लगेगा दो चार दिन में ठीक होगा, लेकिन ये पूरा ख़त्म करना है आपको। और आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपकी तमाम समस्याओं का निदान मुमकिन है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल करें। जी, मेरा सवाल ये था कि मेरा शोल्डर फ्रीज हो गया है, जिसे फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। जी, तो अभी पिछले चार साल पहले मेरा सीधा हाथ का जो शोल्डर था वो फ्रीज हुआ था, और बट अभी तकरीबन दो महीने से जो है वो लेफ्ट हैंड का भी हो गया है। तो क्या ये इसका कुछ घरेलू नुस्खे हैं जिसकी वजह से ठीक हो पाए? जी, कितनी एज है आपकी? एज है 46। देखिए, यूनानी आपको ऑपरेशन की सलाह नहीं देती, सलाह ये देती है कि आप जो भी जिस मोंडे में, जिस हाथ के मोंडे में आपको दर्द है, उसका इस्तेमाल भारी कामों में ना करें, और वो भी कुछ दिन। और इसके लिए दवा भी है और घरेलू नुस्खा भी है। घरेलू नुस्खा गौंसिया असली मिल जाए आपको, असली लेना है, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम, पानी या बगैर चर्बी के दूध या जूस से लें। और देखिए, फ़ायदा तो आपको शायद एक ही महीने में हो जाए, लेकिन जो 100 ग्राम गोंद आप लें उसको ख़त्म होने तक खाएं। और अगर ये नहीं मिले, ये नकली बहुत मिलता है, असली आप लेना, कड़वा होता है, काला होता है, काला गोंद कहते हैं इसे, गौंसिया भी कहते हैं, लेकिन ब्राउनिश होता है ये। और यह दवा लें तो दवा एक है कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, ये सुबह शाम एक एक कैप्सूल खाएं, जो भी आसानी से मिल जाए आप इस्तेमाल करें और आपका ठीक होना मुमकिन है। संजय जी का कॉल इस वक्त हमारे साथ, वो जुड़े हुए हैं, कॉल आया है, उनसे बातचीत करते हैं। संजय जी स्वागत है, सवाल पूछ सकते हैं आप? हेलो जी, सवाल पूछें। आदाब वकील साहब। संजय जी आदाब। मैं कह रहा हूँ कि मेरा वजन बहुत ज्यादा है, करीबन मेरा 95 किलो वजन है और मेरी हाइट है 4.5 फुट। जी, उम्र भी बता दीजिए संजय जी। उम्र मेरी है 26 साल। हाँ, लेकिन 4.5 फुट जो है इसमें ये वजन काफी है, और अगर आपकी पत्नी बहुत अच्छी भी हो तो उससे भी वज़न हमारा बढ़ जाता है, तरह तरह के खाने खिलाती हैं। तो आपकी पत्नी अगर मेरी बात सुन रही हैं तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि बहुत जायकेदार खाने ना बनाएं और लिमिटेड दें इन्हें, ये इनके साथ दुश्मनी है अगर 4.5 फीट में इतना वज़न है। और खाना खिलाएं इन्हें ज़रूर, लेकिन ऐसा खाना बनाएं जिसमें चर्बी इनके जिस्म से निकल जाए। तो उसके लिए जो खाना बनाएं उसमें इतना सारा लहसुन और इतनी अदरक ज़रूर डाला करें, तो वज़न बढ़ना तो वहीं रुक जाएगा। और गर्म पानी 5 बार इनको परोसा करें और 1 घंटा पैदल चला करें। और नुस्खे भी हैं, आप दवाएं भी ले सकते हैं, और जैतून का नमक आधा ग्राम पानी में मिलाकर रोज़ाना 1 नींबू के साथ पिया करें सुबह और शाम, तो आपको फायदा होना मुमकिन है। एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो। हेलो। हाँ जी, स्वागत है कार्यक्रम में, नाम बताएं अपना। हमारा सुमन बर्मन। सुमन जी सवाल करें। हाँ, मतलब को पेट की समस्या के बारे में वो दवा पूछना था। पेट की समस्या? हाँ। क्या क्या होता है, क्या तकलीफ है? मतलब दर्द ये जब हो जाता है। दर्द हो जाता है। एज कितनी है? हाँ, हमारी 24। ठीक है। अच्छा, देखिए अभी बहुत कम उम्र है, और एक वो आता है बेल का मुरब्बा, अभी बेल पत्थर तो चली नहीं, पत्थर बेल या बेल पत्थर कहते हैं इंग्लिश में, कोविट कहते हैं, तो अभी मिलेगा बेल का मुरब्बा। ये आयुर्वेद और यूनानी की दुकानें होती हैं मेडिकल स्टोर, उससे आप ले लें। और एक एक इसका पीस 3-4 इंच का सुबह खाली पेट खाया करें,
और पानी पी लिया करें, और इससे आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। किसी दवा की ज़रूरत नहीं, आप इसे इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं।